मूवी की शुरुआत होती है इंपीरियल चाइना के टाउन में रहते जो और ली की दो बेटियों शियू और मुलान से, जहां मुलान के चाइल्डहुड में हम देखते हैं कि जो की एक लेग सही ना होने की वजह से मुलान को अपनी हैन पकड़कर फार्म में लाने का कहता है, जिस पर अमल करते हुए मुलान हैन के पीछे भागती है और उसे पकड़ने के लिए वो घरों की रूफ पर चढ़ जाती है, जहां से उतरते हुए वो वॉरियर्स जैसी स्किल दिखाती है, जिसे देखकर जो तो खुश होता है लेकिन विलेज के लोग ना खुश होते हैं, क्योंकि मुलान एक लड़की है जो एंशियंट थिंकिंग के मुताबिक वॉरियर नहीं बन सकती, बल्कि वो शादी करके ही अपनी फैमिली को ऑनर दे सकती है, और उसकी मदर ली भी यही मानती होती है। इसलिए रात को वो अकेले में जो को समझाती है कि उन्हें मुलान की स्किल्स को रोकना होगा, क्योंकि बहुत से लोग उसे विच बुलाने लग जाएंगे। मुलान शियू के साथ बैठती ली की सारी बातें सुन रही होती है और वो जेंडर्स में ये फर्क देखकर सैड होती फिनिक्स के स्टैचू को सही करने जाती है, जो उसने हैन के पीछे भागते हुए तोड़ा था। वहीं पर जो आता है और उसे एंशियंट थिंकिंग के बारे में समझाता शादी के लिए रेडी रहने का कहता है, और मुलान जो को सैड होता देखकर मान जाती है। टाइम गुजरता जाता है और मुलान बड़ी हो जाती है। तभी किंगडम के दूसरी तरफ एक ट्रैवलर को विच लैंग दिखती है, जो उसे ल्यूर करके उसकी बॉडी लेती पास विलेज में जाती है, जिसके गेट पर सोल्जर्स बारी खान की लीड में रोरन वॉरियर्स को आते देखते हैं, जिस पर वो उन्हें एरो मारते हैं, लेकिन बारी वो एरो पकड़कर विलेज में फेंकता है। लैंग एरो देखकर ट्रैवलर की बॉडी छोड़कर अपने असल रूप में आती है और अंदर से सारे सोल्जर्स को मार देती है, जिससे बारी खान और रोरन वॉरियर्स अंदर आकर सबको मारने लग जाते हैं और लैंग एक सोल्जर की बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है। वो इंपीरियल सिटी जाती है और एम्परर को अटैक का बताती है, जिस पर एम्परर का काउंसिल मैन एम्परर को बताता है कि बारी खान ने पूरा विलेज तबाह करके सबको मार दिया है और अब आर्मी आगे बढ़ रही है। साथ ही लैंग उसे बता देती है कि बारी के साथ विच है, जिस पर सब हैरान होते हैं क्योंकि किंगडम से विचेस खत्म कर दी गई थी। एम्परर ये सब सुनकर फैसला करता है कि चाइना में हर फैमिली में से एक मैन आर्मी में शामिल होगा, ताकि वो रॉरेंस के खिलाफ लड़ सके, और ये जानकर लैंग वहाँ से बर्ड बनती निकलती है और बारी खान के कैंप में जाती है और उसे बताती है। बारी खान अपने पावरफुल होने का जिक्र करता लैंग को विच कहता है, तो लैंग को गुस्सा चढ़ता है, जिस पर बारी खान बताता है कि जब वो एम्परर बनेगा तो लैंग उसके साथ रहेगी, क्योंकि उसने ही उसे अपनी आर्मी में शामिल किया था। इधर मुलान अपने हॉर्स को राइड करके खुशी खुशी घर आती है, तो ली उसे बताती है कि मैच मेकर ने उसके लिए मैन ढूंढ लिया है, जिसे सुनकर मुलान बहुत सैड हो जाती है लेकिन कोई कमेंट नहीं करती, और इसे उसका एग्रीमेंट समझकर ली अगले दिन उसे ट्रेडिशनल तरीके से तैयार करती मैच मेकर के सामने लाती है। मुलान चाइनीज ट्रेडिशन के मुताबिक टी डालकर देती है, जिसके बाद वो मैच मेकर की तारीफ सुन रही होती है कि शियू के सामने स्पाइडर आता है, जो आहिस्ता आहिस्ता टेबल पर आ जाता है, और मुलान शियू के स्पाइडर के लिए फेयर को जानते हुए उस पर टी पॉट रख कर उसे छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन मैच मेकर उसे टी पॉट की जगह बदलवाती है, जिस पर स्पाइडर सामने आ जाता है। शियू के चीखने से सब डरते पीछे गिरते हैं, तो टेबल से कप्स और टी पॉट गिरने लगते हैं, जिन्हें मुलान बैलेंस कर लेती है, लेकिन बाल आगे आने पर उसके हाथ से सब कुछ गिर कर टूट जाता है। मैच मेकर उससे डिसअपॉइंटेड सबको बाहर लेकर निकलती है और पूरे विलेज के सामने मुलान की फैमिली को उसकी वजह से डिसग्रेस्ड कहती है, जिस पर उनका वेट करता जो सैड हो जाता है और वो अपनी फैमिली को लेकर घर जाने लगता है। तभी वहाँ एम्परर के सोल्जर्स आते हैं और सबको एम्परर का फैसला बताते हैं और हर फैमिली को आर्मी में एंट्री के लिए नोट भी देते हैं, जिसे लेने के लिए मुलान की फैमिली से जो अपनी स्टिक रखते जाता है और वो सोल्जर को बताता है कि उसने पहले भी वॉर में हिस्सा लिया था और अब भी वही लेगा, क्योंकि उसकी फैमिली में कोई मैन नहीं है। जो नोट लेकर वापस मुड़ने लगता है तो गिर जाता है और सब उसे देखकर परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो किसी पर गौर किए बगैर वहाँ से चला जाता है। शाम होने पर डिनर टेबल पर ली जो के जाने पर एतराज करती है, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि जो इस वॉर के बाद वापस नहीं आएगा, और जो ली को चुप करा देता है, और जब मुलान कुछ कहने लगती है तो वो उसे डांटता वहाँ से चला जाता है। रात होने पर जब सब सो जाते हैं तो मुलान छुप कर
देखती है कि जो अपना आर्मर और स्वॉर्ड निकाल रहा है, साथ ही वो स्वॉर्ड को शार्प करने वाला टूल भी निकालता है, जिस पर मुलान उसके पास आकर बैठ जाती है। वो दोनों पास्ट की मेमोरीज याद करते हैं और जो मुलान को सोचता छोड़कर सुबह जाने का बताता चला जाता है। मुलान उसका आर्मर, स्वॉर्ड, नोट और हॉर्स लेकर सोल्जर आर्मी में शामिल होने चली जाती है। और फैमिली को जब सुबह होने पर पता चलता है तो ली जो को उसके पीछे जाने का कहती है, लेकिन जो उसे समझाता है कि वो अगर उसके पीछे गया तो उसका रास खुल जाएगा, जिस पर विलेज वाले उसे विच कहकर मार देंगे। कोई चारा ना होने पर जो अपने एंसेस्टर्स के सामने आता फीनिक्स से प्रे करता है कि वो मुलान को सेफ रखें। उधर मुलान आर्मी कैंप की जगह ना जानते हुए रास्ते में गुम हो जाती है और जब वो थक कर सो जाती है तो उसे फीनिक्स उठाता है और कैंप का रास्ता दिखाता है। मुलान कैंप की तरफ जाती है जहाँ सोल्जर्स रजिस्टर हो रहे होते हैं, तो उसके और एक ओ सोल्जर चैन के बीच में पुश करने की वजह से लड़ाई होने लगती है, लेकिन कमांडर टंग उन्हें अलग कर देते हैं, जिसके दौरान वो मुलान की स्वॉर्ड देखता है तो वो उससे उसका नाम पूछता है, जो वो जुन बताती है, और टंग उसके फादर का नाम सुनकर उसे स्वॉर्ड दे देता है और वहाँ से चला जाता है। सब सोल्जर्स रजिस्टर हो जाते हैं तो उन्हें कैंप में भेजा जाता है, जहाँ मुलान सबकी न्यूडिटी देखकर परेशान हो रही होती है और तभी टंग आकर उन्हें शावर के लिए जाने का कहता है, साथ ही किसी को नाइट ड्यूटी करने का कहता है, तो मुलान वॉलंटियर करती है ताकि उसे सबके साथ शावर ना लेना पड़े। मुलान अपनी नाइट ड्यूटी करके आकर सो जाती है और अगले दिन वो सब सोल्जर्स के साथ ग्राउंड में जमा होती है, जहाँ टंग उन्हें मुख्तलिफ डीड्स पर डेथ की सजा बताता है, जिसमे वुमेन को कैंप में लाना और झूठ बोलना भी शामिल होता है, और साथ ही वो ये बताता है कि जो डिसऑनेस्टी शो करेगा उसे कैंप से निकाल कर भेज दिया जाएगा, जिससे उसकी फैमिली को डिसऑनर होगा। और ये सब सुनकर मुलान डर जाती है, वो फिर भी हिम्मत ना हारते हुए सबके साथ अपनी स्किल्स छुपाती ट्रेनिंग के लिए शामिल हो जाती है, जिसमें टंग उनसे स्वॉर्ड फाइटिंग और आर्चरी करवाता है। साथ ही वो उन्हें बकेट्स को पानी से भर कर एक ही पोस्चर में स्टेज चढ़ते माउंटेन पर मौजूद टेम्पल पर जाने का कहता है, लेकिन सब रास्ते में ही थक जाते हैं। एक दिन एक सोल्जर चीट करके ऊपर जाता पकड़ा जाता है तो उसे कैंप से निकाल कर भेज दिया जाता है, जिससे मुलान बाकी सोल्जर्स के साथ खाना खाते देख रही होती है। और जब सोल्जर वहाँ से चला जाता है तो वो अपने पास बैठे सोल्जर की बातों पर गौर करने लग जाती है। वो सब आइडियल वुमन की बात कर रहे होते हैं, तो चैन मुलान से उसकी आइडियल वुमन का पूछता है, जिस पर मुलान अपनी जैसी वुमन डिस्क्राइब करती है, तो सब उस पर हंसते जाते हैं, जिससे सैड होती मुलान कैंप में चली जाती है, जहाँ उसे चैन तसल्ली देने आता है। दूसरी तरफ बारी खान रोरन ट्राइब्स के चीफ को जमा करता उनसे मीटिंग करता है, जिसके दौरान वो लैंग को डिग्रेड करता है और लैंग बर्ड बने ये सब सुन रही होती है। और जब वो बाद में बारी को इस बारे में कन्फ्रंट करती है तो वो उसे स्लेव कहता है। उधर कैंप में स्पीयर से फाइटिंग करने की ट्रेनिंग हो रही होती है तो मुलान बार बार चैन के हाथों से हारने पर तंग आती अपनी स्किल्स के साथ उससे लड़ने लग जाती है, जो सारा कैंप ट्रेनिंग छोड़कर देख रहा होता है, जिसमें टंग भी होता है। और मुलान चैन को हरा देती है, वहाँ से भागती कैंप में आती है जहाँ सब उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने आते हैं, लेकिन मुलान को डर होता है कि उसकी आइडेंटिटी सामने आ जाएगी, क्योंकि उसकी स्किल्स बहुत रेयरली किसी वॉरियर में होती हैं। टंग मुलान को अपने कैंप में बुलाता उसकी तारीफ करता है और उसे बताता है कि वो उसके फादर को जानता था, इसलिए उसे बहुत खुशी है कि मुलान वॉरियर जैसी स्किल्स जानती है। मुलान को तारीफ होने पर करेज मिलती है और वो अगले दिन ट्रेनिंग में बकेट्स लेकर माउंटेन तक पहुंच जाती है, जिस पर सब हैरान होते हैं क्योंकि अभी तक कोई भी माउंटेन पर नहीं गया होता है और सब उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं, तो वो उससे स्मेल आने का जिक्र करते हैं, जिस पर मुलान उसी रात रिवर में नहाने जाती है और वहाँ चैन भी आ जाता है, जिससे अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए मुलान उस पर गुस्सा करती जाने का कहती है, तो वो उसकी बात मानता मुड़ जाता है, लेकिन जाने से पहले याद दिलाता है कि वो इक्वल हैं, इसलिए उन्हें वॉर में एक दूसरे का साथ देना होगा। दूसरी जानिब लैंग और बारी मिलकर विलेजेस को तबाह करते जाते हैं, जिसको देखकर एम्परर आर्मी को आगे बढ़ने का ऑर्डर देता है, जिसके मिलते ही टंग ट्रेनिंग खत्म कर देता है और सोल्जर्स को जमा करके ओथ लेता है कि वो लॉयल, ब्रेव और ऑनेस्ट रहेंगे, जिसमें लास्ट ओथ सुनकर मुलान गिल्टी फील करती है, इसलिए वो टंग को
अपनी असल आइडेंटिटी बताने जाती है, लेकिन टंग उसकी बात सुने बगैर उससे कहता है कि जब वॉर खत्म हो जाएगी तो वो मुलान, जो कि उसकी नजर में जुन है, उसकी मैरिज अपनी बेटी से करवा देगा। और मुलान जो का जिक्र सुनकर चुपचाप मान जाती है। इसके बाद टंग सोल्जर्स को लिए रॉरेंस के हाथों तबाह हुए विलेजेस से होता सबको बाकी आर्मी के पास लेकर जाता है, जहाँ मुलान अपने सोल्जर्स के ग्रुप को डरा देकर उन्हें तसल्ली देती है कि वो खुद एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे और किसी को मरने नहीं देंगे, जो सुनकर वो सब नॉर्मल हो जाते हैं। अगली सुबह टंग बारी की आर्मी का मुकाबला करने बैटल ग्राउंड में जाता है और उनको अपनी तरफ आता देखकर आर्चर्स से अटैक करवाता है, जिस पर बारी अपने कुछ सोल्जर्स लेकर पीछे मुड़ जाता है और टंग मुलान की लीड में एक ट्रूप उसके पीछे भेजता है। मुलान सोल्जर्स को लेकर जा रही होती है तो रॉरेंस सोल्जर्स को एरो से मारते जाती हैं, जिस पर बाकी बचे दो सोल्जर मुलान को छोड़कर भाग जाते हैं, जिनकी परवाह ना करते हुए मुलान बारी के पीछे जाती है। मुलान के आगे जाने पर उसे कोई भी नहीं देखता और वो सोल्जर्स को ढूंढ रही होती है कि लैंग उसे हॉर्स से गिरा देती है, जिस पर उसका हॉर्स भाग जाता है। मुलान लैंग से लड़ाई कर रही होती है तो लैंग बार बार उससे उसका नाम पूछती है, जिस पर वो जुन बताती है। तो लैंग उसको मॉक करते बताती है कि वो जानती है कि मुलान वुमन है और उसके झूठ बोलने की वजह से उसकी स्किल्स खुलकर सामने नहीं आ रही हैं और वो उसे शुरिकन मारकर अपेरेंटली मारती चली जाती है। उसके पीछे से मुलान को होश आता है तो वो अपने पास फिनिक्स को बैठे देखती है। साथ ही वो देखती है कि शुरिकन उसकी बेल्ट में लग गया था, जो वो अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए पहनती थी, जिसकी वजह से अब वो जिंदा बच गई है। मुलान सोच में पड़ी स्वॉर्ड पर ऑनेस्टी लिखा देखती रहती है और वो लैंग की बात याद करती, अपना डिस्गाइज उतारती, अपनी आर्मी की तरफ बढ़ती है। वो उनके साथ मिलकर अपनी फुल स्किल्स के साथ लड़ती जाती है, जिसे देखकर लैंग बैट्स में बदलती सोल्जर्स पर अटैक करती है, जिससे बचने के लिए वो शील्ड लिए कवर लेते हैं। और मुलान दूर खड़ी देखती है कि उनके सर्कल्स पर आर्मी आग लगे कैनन बॉल्स फेंकती उन्हें मार रही है। मुलान प्लान बना रही होती है कि उसकी नजर रॉरन आर्मी के पीछे आइसबर्ग्स पर पड़ती है, जिस पर वो अपने हॉर्स पर बैठती हेलमेट्स जमा करती रॉरन आर्मी के पीछे जाती है और उनको एरोस मारकर गिराती जाती है, जिस पर आर्मी पीछे देखती समझती है कि सोल्जर्स पीछे से अटैक कर रही हैं, इसलिए वो उस तरफ कैनन बॉल फेंकती हैं। मुलान वाइब्रेशन महसूस करती हॉर्स पर बैठती आगे निकल आती है, जबकि रॉरन आर्मी ग्लेशियर्स उन पर गिरने से स्नो के नीचे आती खत्म हो जाती है, जिसे देखकर इंपीरियल सोल्जर्स आगे भागते हैं, लेकिन चेन एक सोल्जर को बचाते हुए स्नो में फंस जाता है, जहाँ से मुलान उसे निकाल कर बाकी सोल्जर्स और टंग के पास लाती है। वो सबको अपना असल नाम बताती है तो सब उसे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और टंग उससे झूठ बोलने पर आर्मी से एक्सपेल कर देता है। साथ ही वार्निंग देता है कि अगर वो कभी भी उनके सामने आए तो वो उसे मार देगा। मुलान उधर से सैड होकर निकलती डेजर्ट की तरफ सफर करती है, जहाँ उसके रोते हुए उसके पास लैंग आती है, जो उसके साथ सिंपैथी रखते हुए बताती है कि वो भी उसकी तरह वॉरियर थी, जिसके पावर्स शो होने पर सब ने उसे किंगडम से निकाल दिया था और बारिक खान ने उसे अपनी आर्मी में शामिल करके अपने आप को प्रूव करने का मौका दिया था। लैंग मुलान को कन्विंस करती है कि वो उसके साथ मिल जाए और बात की दौरान ही वो रिवील करती है कि बारिक खान बैटल से भागा नहीं था, बल्कि वो डिस्ट्रैक्शन के लिए आउटपोस्ट पर आर्मी लेकर आया था, ताकि वो छुप कर इंपीरियल सिटी घुसता एम्परर को मार सके। ये सुनकर मुलान लैंग की ऑफर रिजेक्ट करती वापस टंग और सोल्जर्स के पास जाती है, जहां वो लैंग की बताई बात बता देती है, लेकिन टंग उस पर यकीन नहीं करना चाहता होता, जिस पर चेन आगे बढ़ता मुलान का साथ देता है और बाकी सोल्जर्स भी मुलान की बैटल में ब्रेवरी देखकर उसका साथ देते हैं। टंग उसे माफ कर देता है और उसे लीड करके इंपीरियल सिटी ले जाने का कहता है, जिससे मानते हुए मुलान सबको साथ लिए आगे बढ़ने लग जाती है। उधर लैंग बर्ट बनकर गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करती रॉरन सोल्जर्स इंपीरियल सिटी में लाती है। फिर वो काउंसिल मैन की बॉडी पोजेस करके एम्परर के पास जाती है और उसे बारीकी डील का बताती है कि वो उससे कॉम्बैट करना चाहता है, जिस पर एम्परर मान जाता है और अपने सोल्जर्स रेडी करने का बोलता है। लैंग सोल्जर रेडी करवा कर एम्परर के साथ बारिक खान के साथ लड़ाई की जगह भेजती है, जबकि बाकी बच्चे गार्ड्स को वो एक जगह पर जमा करवाती है। फिर वो काउंसिल मैन की बॉडी से बात बनती निकल जाती है, जिससे बारिक खान को सिग्नल मिलता है और वो रॉरेंस को
गार्ड्स को मारने भेजता है। उधर डोर बंद होने से पहले मुलान अपना ट्रूप लिए अंदर आ जाती है और उनके आते ही रॉरेंस उन पर अटैक करते हैं, जिस पर टंग सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि वो मुलान को प्रोटेक्ट करते एम्परर तक ले जाएं ताकि वो उसे बचा सके। उधर एम्परर के साथ मौजूद सोल्जर्स को मार दिया जाता है और बारी खान अपने सोल्जर्स से एम्परर को बंधवा देता है। फिर वो उन्हें सिटी में हर गार्ड को मारने का ऑर्डर देता है और उन्हें भेज देता है और वो उसकी मानते उधर से जाती हैं तो उनका सामना मुलान के ट्रूप से होता है। सोल्जर्स उसे सबको छोड़कर एम्परर के पास जाने का कहती हैं तो मुलान सबसे बचती हुई डोर बंद करती एम्परर के थ्रोन रूम की तरफ जाती है जहाँ लैंग बैठी होती है जो मुलान को देखकर हैरान होती है और मुलान उसे इमोशनल करती कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो उसे एम्परर के वेयर अबाउट्स का बता दे, जिस पर लैंग बर्ड बनती वहाँ से उड़ती चली जाती है और मुलान उसे फॉलो करती जाती है। उधर अंडर कंस्ट्रक्शन पैलेस में बारी खान बंधे हुए एम्परर को मारने के लिए लावा बना रहा होता है कि तभी उसके पास लैंग आती है जो उसे मुलान का बताती है और बारी एक वुमन के वॉरियर होने पर हैरान होता नीचे देखता है तो उसे मुलान आते दिखती है, जिस पर वो समझ जाता है कि लैंग उसे लीड करती जानबूझकर एम्परर तक लाई है। वो अपना एरो मुलान को मारने लगता है कि लैंग बर्ड बनकर एरो के सामने आकर मर जाती है और मुलान उसे पकड़ लेती है, जिस पर लैंग उसके हाथों में ही जान दे देती है। मुलान लैंग को उधर ही छोड़कर एम्परर को बचाने जाती है तो उसके और बारी खान के बीच में लड़ाई होती है, जिसके दौरान मुलान की स्वॉर्ड लावा में गिरकर जल जाती है, जिस पर मुलान सैड हो रही होती है तो एम्परर उसे फीनिक्स की एग्जांपल देता उठने को कहता है। मुलान अब स्वॉर्ड के बगैर बारी खान से लड़ती है और उससे स्वॉर्ड लेकर उससे ऊपर से नीचे गिरा देती है। फिर वो एम्परर को खोलने जाती है, जिसके बीच में बारी खान एरो मारता है लेकिन एम्परर उसे पकड़ लेते हैं और वो मुलान को देती है जो वो एरो बो के बगैर ही बारी खान की तरफ फेंकती है, जिस पर बारी खान मर जाता है। मुलान एम्परर को पूरा खोलती है तो एम्परर उससे उसका नाम पूछते हैं, जबकि दूसरी तरफ सोल्जर्स लॉरेंस को खत्म कर देते हैं। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि किंगडम में वॉर खत्म होने की वजह से सेलिब्रेशंस होती हैं और एम्परर मुलान को सबके सामने बुलाकर उसकी तारीफ करता अपने वॉरियर्स में शामिल होने का कहता है, लेकिन मुलान उसे कहती है कि वो अपनी फैमिली से छुपकर उनका ट्रस्ट तोड़कर आर्मी में आई थी, इसलिए उसे वापस उनके पास जाना है और एम्परर उसे जाने देता है। मुलान सफर करके अपने विलेज पहुंचती है तो सब जमा हो जाते हैं और मुलान की फैमिली उसे देखती खुश होती है और जो उसे माफ कर देता है, साथ ही उस पर बिलीव ना करने पर माफी मांगता है। तभी विलेज में टंग कुछ सोल्जर्स के साथ आता है, जिस पर जो को लगता है कि वो मुलान को सजा देने आए हैं, लेकिन टंग मुलान की ब्रेवरी का सबको बताता एम्परर की तरफ से भेजी स्वॉर्ड देता है, जिस पर जो की स्वॉर्ड जैसे वर्ड्स लिखे होते हैं और टंग एम्परर की ऑफर के बारे में दोबारा सोचने का कहता है और मुलान सोचते हुए अपने पीछे फिनिक्स को देखती है, जिसे देखते हुए ही मूवी एंड हो जाती है।